नवी हाई स्कूल बनी है, ये उर्दू मीडियम है, यहाँ पे 8वीं 9वीं और 10वीं रहेगा। जकात नगर से शांति नगर तक अपने पास एक भी हाई स्कूल नहीं थी। प्राइमरी तो अपने पास बहुत थी लेकिन हाई स्कूल एक भी नहीं थी। इसके लिए हम लोगों ने इसके लिए कोशिश करी और मेहनत करी। मेरे साथ में डॉक्टर जुबैर और मुंडा भाई और आसपास भी लगे हुए थे। हम लोगों ने मंत्रालय से इसके लिए 1.5 करोड़ का फंड लाया और 2 साल पहले इसकी ओपनिंग करके हम लोगों ने इसका काम शुरू किया और आज माशाल्लाह ये स्कूल बन के रेडी हो गई है। इसमें बेंच वगैरह भी नहीं थी तो उसके लिए हम लोग 6-8 महीना पहले फिर गए थे, वहाँ से 15 लाख रुपया ला के टोटल स्कूल में बेंच वगैरह डाल दिए अभी। और इंशाल्लाह अभी जब जून से स्कूल चालू होएगी तो ये स्कूल अच्छे से और पूरी तरीके से ये स्कूल चालू हो जाएगी। सर, ये इस स्कूल में कितने कमरे बनाए गए और ये कितने लगी? इसका तो पूरी लागत 1.5 करोड़ का फंड था खाली स्ट्रक्चर का, और बाकी फर्नीचर वगैरह के लिए 15 लाख रुपया हम लोगों ने अलग से लाया था। इसमें 12 कमरे है, 2 कंप्यूटर क्लास रहेगा जिसमें, और एक ऑफिस रहेगा और बाकी इसमें क्लास चलेगा। ये निधि देखा जाए तो किस तरह, महाविकास आघाड़ी की है या कांग्रेस पार्टी की पर्सनल? ये ना कांग्रेस की, ये कोई किसी पार्टी की नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निधि आती है। अच्छा। तो ये उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की निधि है जो मंत्रालय से हम लोगों ने लेकर आया था। ये निधि में कोई MLA का भी नहीं, किसी का कोई रोल नहीं है, ये स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है डायरेक्ट, महानगर पालिका में आती है और महानगर पालिका से स्कूल का काम होता है। रिपेयरिंग के लिए भी कुछ फंड लाया आपने? रिपेयरिंग के लिए जो ये स्कूल सामने दिख रही है, ये स्कूल का बहुत हालत खस्ता हो गई थी तो हम लोगों ने इसका ऑडिट कराया। वहाँ के जो हेड मास्टर वगैरह है उन्होंने कहा कि ये स्कूल चलने जैसी नहीं है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। तो 1 साल पहले उन लोगों ने मुझसे कहा था, लेकिन लॉकडाउन का मामला था और मैं 1 साल से इसके पीछे बहुत हैरान था, लेकिन फंड नहीं होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ते ढीले होते जा रहा था। तो अभी जाके ये जो हमारी महापौर मैडम है, मैंने इनसे जाके बात की तो इन्होंने हमको मेरे को 1 करोड़ रुपये का फंड सेंक्शन करके दिया। इसका स्ट्रक्चर ऑडिट हो चुका है, बॉम्बे की एक कंपनी है वो अभी हम लोगों ने ओपनिंग कर दी है इसकी, कल से ये स्कूल का काम चालू हो जाएगा और इंशाल्लाह 2 से 3 महीने में ये स्कूल जो धोखादायक है उससे ये बाहर हो जाएगी और अच्छी कंडीशन में एकदम ये स्कूल चालू हो जाएगी। कितने बच्चे पढ़ेंगे इस स्कूल में लगभग? अभी तो फिलहाल ये स्कूल में 4 क्लास के बच्चे बैठते हैं, चार स्कूल के बच्चे बैठते हैं, क्योंकि और उसमें कम से कम लगभग 2,200 बच्चे जो 8वीं तक है। अभी नई इमारत मेरे ख्याल से कुछ 3-4 तो बच्चे इसमें भी बैठेंगे। 8वीं 9वीं 10वीं भाई, ये जो स्कूल के अंदर जब रिपेयरिंग का काम होगा तो अभी जून से स्कूल स्टार्ट हो जाएगी, तब बच्चे कहाँ जाएंगे? अभी उन लोग का मेरा भी जो काम करने वाला वो आया है और स्कूल के हेडमास्टर लोग आए हैं, उन लोग आपस में बैठ के डिस्कस करेंगे। उसका बोलना है कि हम लोग चालू स्कूल में भी काम कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल भाई, ठीक है, वो जिस तरह से आप लोगों ने बिल्डिंग का अच्छा बनाया है तो उस तरह से एजुकेशन की क्वालिटी के लिए जो है क्या स्टेप लिए जा रहे हैं? अगर उसमें भी अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएं तो डेफिनेटली बच्चों को जो है अच्छा एजुकेशन मिलेगा। एजुकेशन का जो मामला है, जब जहाँ पे सुविधा अच्छी रहती है, स्कूल अच्छी रहती है, हर चीज़ का बंदोबस्त रहता है, लाइट, टेबल, कुर्सी, टॉयलेट, बाथरूम, जहाँ हर चीज़ का बंदोबस्त रहता है तो वहाँ बच्चे लोग को पढ़ने में भी थोड़ा इंटरेस्ट आता है। तो खाली मेरा तो बोलना है कि ये स्कूल नहीं, हमारे शहर में ज़्यादा करके 40 से 50% जो स्कूल है उसकी हालत खस्ता हो गई है। कहीं बेंच नहीं रहता है तो कहीं लाइट नहीं रहती है, कहीं संडास बाथरूम भरा रहता है। जब ऐसी कंडीशन में स्कूल रहती है तो जो बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट रहता है तो ऐसी स्कूल देख के उनका भी इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो उसमें टीचर लोग का भी बहुत ज़्यादा मामला नहीं है। नगर पालिका की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से भिवंडी में जो स्कूल है उनको पूरी सुविधा नहीं मिलती है जिस तरीके से मिलना चाहिए। अगर पढ़ाई का स्टैंडर्ड हमको बढ़ाना है तो ठीक है, हम टीचर लोगों को बोल सकते हैं, लेकिन उसके साथ में हमको स्ट्रक्चर भी सुधारना पड़ेगा, तब जाके पढ़ाई का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। मेरा एक सवाल है, 2017-18 और 2019 में स्ट्रक्चर के लिए 1.87 करोड़ रुपये फंड आया था, उसमें PRC के जो टीचर्स हैं उन्होंने वो फंड का यूटिलाइज किया, लेकिन वो फंड कहीं नहीं दिखा, वो कहाँ गया? ये चीज़ आपको कुछ बताया, इसमें आपका 70 नंबर 85 नंबर भी था। वो जो आया था वो भिवंडी के हर स्कूल, जो कम से कम मेरे ख्याल में 50-60 स्कूल को मिला के आया था, किसी को 2.5 लाख, किसी को 4 लाख, किसी को 5 लाख। अब वो जो स्कूल के हेड मास्टर है उन लोगों ने उस हिसाब से काम किया है, अब उसके बारे में तो मेरे को आइडिया नहीं है कि किसने कितने का काम किया। अब मैं तो ऑफिसर हूँ, उनके सबकी इंक्वायरी करूँगा, मैं मेरा वार्ड खाली देखूँगा। इसमें सर आपकी भी वार्ड की स्कूल है जिसमें CRC का फंड आया है, उसमें टीचर